हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केचअप इन 2 मिनट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि स्केचअप में हम कैसे क्विकली कलर और टेक्सचर देते हैं अपने किसी मॉडल को, किसी प्रोजेक्ट को या किसी प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं। चलिए तो ना ज़्यादा बात को लंबा खींचते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ये करते हैं स्केचअप में बहुत ही स्पीडली। तो देखिए, अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं और मैंने इसमें कुछ पार्ट बनाया। उसके बाद मैंने इसमें कुछ ऑफसेट ले लिया, इसको निकाल दिया, ठीक है जी। मैंने ये बनाया समझिए, तो मुझे इसमें देना है कलर। तो मैं सबसे पहले पेन बकेट पे जाऊंगा, पेन बकेट की बकेट उठाऊंगा और ये मेरे पास आ जाते हैं कलर। ये मेरी विंडो खुल गई, अब ये मेरे पास आ गए हैं कलर, राइट। तो मैं इसमें से कोई भी कलर ले सकता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसमें डाल सकता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर डाल दिया, ठीक है। अब मुझे अगर कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँगा विंडो पे, इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाते हैं कि मुझे किस टाइप के कलर चाहिए। सॉलिड कलर नहीं चाहिए तो कौन से टेक्सचर चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें है फेंसिंग, ज्योमेट्रिकल ग्राउंड कवर मार्कर्स। तो मैं ग्राउंड कवर पर क्लिक किया, तो देखिए अब ये ग्राउंड कवर्स में क्या क्या आता है। ग्राउंड कवर्स में आ गया आपके सारी मिट्टी टाइप्स ऑफ अर्थ टाइप टेक्सचर्स ऑफ अर्थ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टेक्स्चर बड़ा पसंद आया तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये टेक्स्चर आ गया, राइट। अब मैंने उस पर सारे टेक्स्चर क्लिक कर दिए। अब मुझे लग रहा है कि जो टेक्स्चर है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, मुझे थोड़ा सा बारीक करना है, राइट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, तो मैं एडिट पर जाऊँगा और यहाँ जो इसका यहाँ का डायमेंशन है, इसका जो साइज है वो कम कर सकता हूँ। तो मैंने करा 2 फिट, अब ये 3 फिट था, अब ये 2 फिट कर दिया। अगर मैं इसको 6 इंच ही कर दूंगा तो ये देखिए और बारीक हो गया, राइट। अब आप देख सकते हैं ये कितना बारीक हो गया है। तो ऐसे ही हम किसी भी टेक्सचर, कोई भी तरह का टेक्सचर इसमें दे सकते हैं स्केचअप में और बहुत ही इजीली और क्विकली फटाफट टेक्सचर इसमें अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर हमें जैसे इसको ये हम मैंने क्या किया, जैसे ये टेक्सचर दिया है और मुझे ये जो फोटो है मुझे ऐसे में, तो मतलब मुझे इसका जो दाना है वो ऐसे में बड़ा करना है, ऐसे में छोटा करना है, तो मुझे ये लॉक तोड़ना पड़ेगा, राइट। ये जो लॉक है मुझे तोड़ना पड़ेगा। मैं लॉक क्लिक करूंगा और ये डबल क्लिक करता हूँ और ये टूट जाता है। अब मैं अगर इसको बड़ा करूँ तो ये 6x6 का ना होगी। अगर मैं इसको 12 इंची कर दूँ, देखिए मैंने इसको 12 इंची कर दिया और ये लॉक अपने आप लॉक भी हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप खोल के इसको जल्दी से करिए, जो भी काम करिए। ये 6 फिट हो गया, सॉरी मैंने इसको डाला 5, ठीक है। नहीं मैं इसको डालता हूँ, चलिए 2 फिट, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने उसको ऐसे इस फोटो को 2 फिट में कर दिया चौड़ाई और इसकी हाइट कर दी मैंने 6 इंच, राइट। तो ऐसे ही मैं इसके टेक्सचर को डिस्टॉर्ट भी कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको कोई भी फोटो मिले, कोई भी टेक्सचर मिले जो आपको पसंद आ रहा हो और आपको इसको बड़ा करना है, स्ट्रेच करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको लॉक तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोपोर्शनेटली बड़ा छोटा हो जाएगा। अब आप जब ब्लॉक बंद कर देंगे, इसका मतलब ये, अब आप जब डालेंगे इसको टीप, तो ये अपने ऑटोमेटिकली बढ़ा, क्योंकि आपने 2 से 3 फुट करा तो ये 6 इंच से प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, राइट। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, विच इज ओपेसिटी। आपको अगर इसको लाइट करना है, जैसे आपको इसको हल्का सा वो दिखाना है, जैसे ग्लास टाइप का टेक्सचर दिखाना है, ग्लास क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, तो उसकी ओपेसिटी आपको कम करनी है। तो आप क्या करते हैं कि आप ये क्लिक करके इसको कम कर सकते हैं। अब ये दिख रहा है आपको, अब आप देख सकते हैं आपकी ओपेसिटी कम होती जा रही है और ये हल्का होता जा रहा है। इससे आपको अंदर शीशा की तरह फील आ रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट है। आप दो देयर इज अ टेक्सचर बट इट्स ट्रांसपेरेंट, कैन यू सी दिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड और ऐसे अगर आप उसको बढ़ा दें तो आप उसको सॉलिड सरफेस भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा लाइट टोन में चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका कलर का टोन जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, और इसको डार्क और इसको लाइट या ऐसे कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। दो मैं बहुत एडवाइस नहीं करता क्योंकि इस कलर व्हील में ऐसे खेलना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कलर वेरी कर जाता है, बहुत एकदम से कलर वेरी कर जाता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं करता। व्हाट आई ट्राई टू डू इज मैं तो अपनी फोटो ही चूज करता हूँ ऐसी जो पहले से ही बनी हुई हो। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर जैसे आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मुझे ना ये फोटो पसंद नहीं आ रही, मुझे कोई अपना टेक्सचर लाना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए कि मुझे इसकी जो इनके दिए हुए टेक्स्चर्स हैं, टाइल में भी देखिए बहुत सारे टेक्स्चर्स हैं, वुड का देखिए वुड के बहुत सारे टेक्स्चर, पर मुझे अपना ही कोई टेक्स्चर आना है राइट, मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसमें से कि आई विल क्रिएट अ मटीरियल राइट, ये ऑप्शन है आई विल क्रिएट अ मटीरियल, जो ये ऑप्शन आ गया मेरे पास ऑलरेडी, ये है ये जो मटीरियल का है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और अपना चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं अपनी फ़ोटो के लिए ओपन करूँगा। अब ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं कौन सा फ़ोटो खोल, ये भी नहीं चाहिए अगर, तो मैं अपना कोई भी फ़ोटो खोल के काम में से मैं कोई भी मैं राइट, अब जैसे ये आ रहे थे देखिए टेक्सचर, ये मुझे ये वाला टेक्सचर चाहिए राइट, अब मुझे अगर ये वाला टेक्सचर चाहिए या मुझे ये वाला टेक्सचर बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा ओपन और ये सिलेक्ट होके हाँ आ चुका है, मैंने इसको ओके किया ये यहाँ आ गया, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करने के लिए तैयार है, ये देखिए मैं तैयार है अप्लाई कर दिया राइट। अब मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खींच रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो मैं इसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से इसको तोड़ के लॉक को सही सेट कर सकता हूँ, जैसे ये बहुत ज़्यादा 10 फुट 2 फुट ठीक है, पर ये बहुत कम है, तो मुझे लगता है ये 1 फुट तो होना चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया 1 फुट। अब देखिए फार बेटर राइट, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे फोटोज डाल सकते हैं और अपना खुद के टेक्स्चर्स क्रिएट करके इसमें काम कर सकते हैं। So in short, this was a very small video on how we can get different color types of colors and textures in Sketchup. चलिए कुछ और जानने के लिए मिलते हैं आपसे next video में. Till then, please share and subscribe my channel. Also, don't actually just sit idle by learning my videos. Also, keep on exploring, keep on experiment, because that will help you to learn more. Okay, चलो. Till then, bye bye. Thank you.